अपने आप को मेंटेन रखने के लिए इस इंडस्ट्री में बहुत से सैक्रिफाइसेस, बहुत तरीके की डाइट्स और ये सब करना पड़ता है, तो किस चीज़ को लेके आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो कि ये मुझे नहीं खाना है, या क्या आप अपने फेवरेट फूड्स एंजॉय कर पाते हो? जी हाँ, इंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है, अगर शूट के पास आ रहे हैं तो थोड़ा सा ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बाकी अपना बस वही है जो मतलब सूर्यास्त के बाद नहीं खाएं, और मतलब जो अपना एक टाइमिंग होता है रात को ना खाएं, बिकॉज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत स्लो डाउन हो जाता है। तो साथ से यू फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग? हाँ, मतलब इंटरमिटेंट बोलिए या कुछ बोलिए, सूर्य अस्त हो गया अपना, आप खुद भी अस्त हो जाओ और खाना 7 बजे मत खाओ, और अपना हेल्दी फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो सब। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, अच्छा टाइम चल रहा है, आपके संग इंटरव्यू इतने अच्छे वक्त में हो रहा है। तो सो व्हाट इज योर फेवरेट फूड? फेवरेट फूड मेरी भिंडी की सब्जी, बैंगन का भरता, हाँ, और दही वाले गोलगप्पे। खाते हो गोलगप्पे? दही वाले पसंद है और दही वाले, पता नहीं क्यों पानी वाले नहीं पसंद, दही वाले पसंद है। ओके, और लाइक साउथ इंडियन भी पसंद है, डोसा कभी इस तरीके। सो ऐसा बोलते हैं कि लड़कियां बहुत फैन होती है गोलगप्पे की, तो आप कभी लाइक स्ट्रीट रोड पे गए, स्ट्रीट मार्केट, और वहां से कभी आपने गोलगप्पे खाए दही वाले? गोलगप्पे मतलब जहाँ भी हाइजीनिक तरीके से बन जाए या फिर कोई पैक करके आ जाते हैं तो वैसे खा लेते हैं, बट हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको स्ट्रीट फूड जाके खुद ही खाना है, मतलब जनरली आ जाता है तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ मतलब उसका ये है कि अगर आ भी रहे तुरंत आप खा लो वरना वो मेल्ट हो जाता है। या तो मतलब बने बनाए आए और आप सीधा खा लो। उसके अलावा कोई फैंसी फूड आपको पसंद है? फैंसी फूड में मतलब लाइक कैसा? लाइक दिस जस्ट इंडियन यू स्पोक अबाउट, राइट? हाँ। सो एनीथिंग इन इटालियन या अदर क्यूजिंस आर एक्चुअली अभी, हाँ वो भी पसंद है, बट अभी जब कैन फिल्म फेस्टिवल गए थे, पेरिस फैशन वीक गए थे, तो वो इतना ज़्यादा नॉन स्टॉप हो गया, टू मच, बिकॉज वहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा इंडियन फूड नहीं मिलता है, तो इतना ज़्यादा वो उससे थोड़ा सा अभी दिमाग हट गया है उससे थोड़ा सा डेविएट हो गया है।